अभी आपने देखा वो कॉन्सर्ट था बहुत बड़ा इंग्लिश सिंगर्स का, पूरी ज़िंदगी में मैंने पहली दफ़ा इतना बड़ा कॉन्सर्ट अटेंड किया और इसमें कुछ 30 से 40 हज़ार लोग आए हुए थे और 3,000 सिक्योरिटी गार्ड थे। वो 3,000 सिक्योरिटी गार्ड में से एक मैं था, मेरा बिल्कुल प्लान नहीं था इस फेस्टिवल पे जाने का, लेकिन मेरे दोस्त की शिफ्ट थी उसने कैंसिल कर दी। उसने मुझे फ़ोन किया, सैफ तुमने सैटरडे को एक फेस्टिवल है सिडनी ओलंपिक पार्क पे, $25 पर आवर मिल रहे हैं तो तुमने जाना है। मैं सोच में पड़ गया क्या घूमें से, तो मैंने कहा सैटरडे मैं को फ्री हूँ तो पैसे भी अच्छे मिल रहे हैं तो वाई नॉट। तो जब सैटरडे आया मुझे बिल्कुल नहीं था पता किस चीज़ का फेस्टिवल है, क्या हो रहा है उधर। ये देखा इतने ज़्यादा गार्ड्स, तो मैं कहा यार इतने ज़्यादा गार्ड्स हैं तो ये फेस्टिवल कितना बड़ा होगा, और मुझे फिर भी नहीं था पता कि क्या कौन सा फेस्टिवल है। फिर मैंने गार्ड से पूछा, कहते हैं कि म्यूज़िक का फेस्टिवल है, काफ़ी बड़े इंग्लिश सिंगर्स आ रहे हैं। जब मैं वहाँ पहुँचा तो सारे सिक्योरिटी गार्ड्स लाइन में खड़े हुए थे और सबकी ड्यूटी लग रही थी कि आपने क्या करना है, क्योंकि 5 मेन गेट थे जिस पे 30-30 सिक्योरिटी गार्ड खड़े हुए थे और फिर अंदर क्राउड भी बहुत ज़्यादा था और फिर सारे क्राउड को भी गार्ड्स कंट्रोल कर रहे थे। तो मैं अब दुआ कर रहा था कि मेरी ड्यूटी अंदर लगे, बैग चेकिंग पे मेन एंट्रेंस पे ड्यूटी लग गई और हर गेट पे कोई 30 सिक्योरिटी गार्ड खड़े हुए थे और 5 लाइनें बनी हुई थी, 5 बैरियर पड़े हुए थे आगे, और जिसमें से एक लाइन में मैं खड़ा हुआ था बैग चेक कर रहा था। जब हमने मेन गेट खोला, लोगों को कहा कि अब अंदर आ सकते हैं आप, तो सबसे पहला जो बंदा आया ना वो मेरी लाइन में आया, तो मैंने इसकी चेकिंग की तो उसके जो सिगरेट थे ना, मैं सिगरेट देखे वो मैंने पकड़ के फेंक दिए। तो उसने कहा कि ये कैसा रूल है कि सिगरेट ही आपने अंदर लेके जा सकते। मैंने उसे कहा कि इट्स नॉट अलाउड। बाद में एक बंदा आया, कहता है कि यार सिगरेट लेके जाने देने हैं लेकिन देखना है कि उसके अंदर ड्रग्स वगैरह ना हो। मैं बाद में बड़ा पछताया, मैंने कहा यार मैंने उसकी सिगरेट फेंक दी है, लेकिन लकीली उसकी डब्बी में 2 सिगरेट थे तो मुझे इतना रिग्रेट ना हुआ। मैंने कहा कि मैंने इसका इतना ज़्यादा नुकसान नहीं किया। उन्होंने हमें गाइड किया था कि बहुत ज़्यादा ड्रग डीलर्स भी इधर आने की कोशिश करने हैं, तो अपने बैग जो उनसे बड़े से अच्छे तरीके से चेक करने हैं, क्योंकि किसी ने अपने बैग में ड्रग्स ना रखे हो। तो मैं बड़े अच्छे से बैग चेक कर रहा था, तो सुपरवाइज़र ने कहा कि तुम अब ये स्कैनर पकड़ो और उधर आगे खड़े हो जाओ। तो उसने मुझे कहा कि तुम्हें किसी भी पर्सन पर शक लगे तुम उसे खड़ा करके उसकी चेकिंग कर सकते हो। तो मैं चेकिंग कर रहा था, कोई भी मुझे पर्सन ऐसा लगता था कि यार ये दौजी है तो मैं उसकी चेकिंग कर रहा था। तो एक पर्सन की मैं चेकिंग कर रहा था तो उसके पास एक बॉटल थी, तो मैंने उसे कहा कि ये किस चीज़ की बॉटल है, तो कहता है कि ये नहीं खाली बॉटल है वैसे ही है। तो वो साफ नज़र आ रहा था कि अल्कोहल की बॉटल है, तो मैंने उसे पूछा कि अल्कोहल तो नहीं है इसमें, कहता नहीं है। मैंने उसका ढकना खोला और मैंने अंडेला तो पता चला अंदर कि अल्कोहल है। मैंने सुपरवाइज़र को कॉल की, सुपरवाइज़र ले गया, फिर उससे इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी। बहरहाल फिर एंट्रेंस में लोग आना कम शुरू हो गए, फिर अंदर ज़्यादा थे लोग, तो फिर इतने में एक बड़ा सुपरवाइज़र आया अंदर से, कहता है कि अब मैं आधे गार्ड से उनसे चाहिए अंदर ले कर जाने क्राउड को कंट्रोल करने के लिए। तो उन्होंने सुपरवाइज़र ने कहा कि आप ये वाला बंदा ले जाएं, तो मेरी बारी आई, उसने मुझे उधर ही खड़ा रहने दिया क्योंकि वो काफ़ी अच्छे से ड्यूटी कर रहा था, तो उसने कहा तुम इधर ही रहो। तो इतने में वो गार्ड जाने वाले थे सारे, तो मैं दौड़ के उसके पास गया सुपरवाइज़र के, मैंने कहा यार मुझे जाने दो, मेरा बहुत दिल कर रहा है। कहता नहीं नहीं तुम इधर ही रहो। तो इतने में वो जा रहे थे तो मैं उन्हें देख रहा था बड़ा ऐसे ही, होता नहीं है बेताबी की नज़र से, यहाँ के कहेंगे बड़ा यार जाने का दिल कर रहा था, तो बंदा देखता है यार मैं नहीं जा सका। तो खुद सुपरवाइज़र मुझे देख के ना आया मेरे पास, कहता अंदर जाना है, मैंने कहा हाँ जाना है, कहता दो मुझे स्कैनर, कहता जाओ चले जाओ दौड़ लगाओ। मैं दौड़ लगा के उनके पीछे पा गया, मैं इतना एक्साइटेड जब अंदर गया, इतना प्यारा सीन मैं देख के, मैं क्या बात है, सारे जो मज़े के सीन है वो तो अंदर है। तो मैं इतना एक्साइटेड जब अंदर गया, मैं कहा यार क्या फेस्टिवल है, इतने तो कभी इतने बड़ा कॉन्सर्ट कभी ज़िंदगी में नहीं देखा। जब अंदर गया उन्होंने ड्यूटी लगाई मेरी स्टेज के पास कि आपने कंट्रोल करना है कि कोई क्राउड से बंदा स्टेज पे ना जाए। मैं बिल्कुल स्टेज के साथ खड़ा हुआ था सिंगर्स के साथ, और सामने क्राउड ही क्राउड था, तो बहुत ही मतलब वो मज़े वाला सीन था कि उधर कोई नहीं था आ सकता लेकिन मैं खड़ा हुआ था। काफ़ी एडवेंचरस डे था और मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता था कितना मज़ा आया मुझे। मैंने मेरे फेवरेट इंग्लिश सॉन्ग थे वो भी मैंने लाइव सुने, तो मतलब एक बड़ी अलग सी सिक्योरिटी की शिफ्ट थी वो, और बहुत ही अलग सा एक दिन था। तो मैंने वीडियोस भी ली उधर काफ़ी, तो मैंने कहा कि यार इसको मैं आपके साथ शेयर करूँ। 8 घंटे की शिफ्ट थी और $200 मिले थे, और प्लस मुझे इतना मज़े का लाइव इवेंट देखने की एक अपॉर्चुनिटी मिली थी कि मैं आप एक्सप्रेस नहीं कर सकता अपने वर्ड्स में। और बाद में मुझे पता चला $400 की टिकट थी, और जो स्टेज के पास खड़े हुए थे लोग उनकी टिकट $800 की थी। तो मैं सोच रहा था कि यार कितना मज़े का काम है, मुझे बल्कि पैसे मिले इवेंट को देखने के, तो काफ़ी यार मुझे मज़ा आया कि पैसे भी मिले, इन्जॉय भी किया, वीडियोज़ भी बनाई, बल्कि मैंने उधर लाइव सेशन भी किया, लेकिन इतनी गंदी वीडियो बनी थी क्योंकि उधर इंटरनेट के सिग्नल नहीं थे सही। यार जब मैंने घर आके देखा कि लाइव, तो वो लाइव बिल्कुल
उसकी क्वालिटी नहीं थी, वीडियो बिल्कुल नहीं थी सही चल रही। तो ओवरऑल यार काफ़ी मज़े का एक्सपीरियंस था। तो मैं तो भी इंतज़ार करूँगी ऐसी कोई शिफ्टें आए, मैं वीडियोस बना सकूँ और एडवेंचर कर सकूँ। मुझे इजाज़त दें, अभी कोशिश करूँगा वीडियोस बनाऊँ, लेकिन मैं बिज़ी बहुत ज़्यादा होता हूँ। जॉब्स कर रहा हूँ, सिक्योरिटी की जॉब कर रहा हूँ, बेट्स की जॉब कर रहा हूँ, 7-Eleven की जॉब कर रहा हूँ। तो छुट्टियाँ चल रही हैं, तो मेहनत हो रही है, पैसे जोड़ने हैं, फीसें भी निकालनी हैं, तो इस वजह से वीडियोस भी कम आ रही हैं और फ्री टाइम भी कम होता है मेरे पास। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको इस वीडियो का मज़ा आया तो इसको लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। और दैट्स एनफ फॉर टुडे। आपको मिलूंगा मैं अगली वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।